अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। आज की जो सुबह वो बहुत ही मज़े के साथ हुई है, क्योंकि सब लोगों ने बोला कि आज क्यों ना पराठे बनाए जाएँ। सब ने मिलके काम किया, पराठे बनाए, पराठे खाए, बहुत ही मज़ा आया। अभी खा पी के नाश्ता करके फुल हो चुके हैं, और अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि मुझे कटिंग करवानी है, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो बड़े हो चुके हैं और साथ में दाढ़ी भी बड़ी हो गई है, तो इनको पहले सेटिंग करवाएंगे, क्योंकि आज मुझे भाई नवीद के साथ कहीं जाना है काम से, तो दूसरे सिटी में जाना है। यहाँ से 4 या 5 घंटे का सफ़र है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर। जो कैपिटल सिटी है केएल, उधर जा रहे हैं। मैं तो कुआलालंपुर मलेशिया में पहली दफ़ा जा रहा हूँ, जब से मलेशिया आया हूँ मैं कभी नहीं गया केएल में। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। सुने आए आए मज़े आए 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 कि केएल जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि कैपिटल है, और कैपिटल किसी भी कंट्री का हो जाहिर है वो उसको खूबसूरत ही बनाएगा, क्योंकि जो टूरिस्ट की ज़्यादा अट्रैक्शन होती है वो कैपिटल सिटी की तरफ होती है। तो मैं नहीं तो जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये भी चलते हैं सैलून पे। जूता किधर गया, जूता किधर गया, कौन सा पहनूं, यही पहन लेता हूँ। कौन सा, मैंने पुप्पो के पास जाना है, सैलून पे जाना है ना। ओके जी, कटिंग वगैरह करवा ली है, सब कुछ सेट हो गया, तो ओके फिर रहमत भाई, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे इंडियन भाई है, बहुत अच्छे हैं, तो अभी चलते हैं वापस और घर में जाके तैयारी करते हैं। स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अभी पहुँची हैं बस स्टेशन पे। अभी यहाँ से लेंगे टिकट केएल के लिए और निकलेंगे। सारा वेटिंग एरिया, टिकट लेके यहाँ पे करना होगा वेट। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश, ओह माय गॉड, टिकट की लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी है। अभी यहाँ से निकालेंगे जी टिकट। अभी इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि खुद ही आओ, खुद ही टिकट निकालो। ये सब लोग टिकट निकाल रहे हैं, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी कोविड की वजह से उन्होंने बोला कि अपना काम खुद करो। अभी ये नवीद भाई ट्राई कर रहे हैं निकालने की टिकट, इंशाल्लाह निकल आएगी जल्दी। ओके जी, फाइनली टिकटें निकल आई हैं, अभी हमें जाना होगा वेटिंग एरिया में। 1:45 पे बस निकलनी है, अभी 1:35 हो चुके हैं, अभी लाइन में लगना होगा बस के लिए। ये है जी मेन बस स्टेशन, मेरा ख्याल है जोहर बारू का ये सबसे बड़ा बस स्टेशन है। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, वरना मैं आपको अंदर जा कर दिखाता। साढ़े 5 घंटे से हालत के बाद अभी हम पहुँचे हैं बस स्टेशन पे, TBS बस स्टेशन, जो कि मलेशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन है। तो इस गाड़ी ने मैं बिल्कुल नहीं मज़ा दिया, बिल्कुल जलील किया। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस गाड़ी को कभी भी यूज़ करें ट्रैवलिंग के लिए। तो अभी हमें करनी होगी ग्रैब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए। ये जो बस स्टेशन है, ये मेरा ख्याल मलेशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन है, और इसको बसों का एयरपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बसेज होती हैं, ऑल ओवर मलेशिया आप कहीं भी जा सकते हैं। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें ग्रैब किधर से मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये स्टेशन है, ये अंदर से सारी टिकट है, और हम लोग अभी बाहर वेटिंग में हैं, तो अभी देख रहे हैं कि किधर से ग्रैब बुक होगी। कुछ ये है कि रात को हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे और बारिश भी बहुत तेज़ थी, इसलिए हमने सोचा कि सुबह हम KLCC जाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि सुबह KLCC जाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ KLCC की तरफ, जो कि पाकिस्तान एम्बेसी से बिल्कुल 2-3-4 मिनट का सफ़र है पैदल। तो उधर चलते हैं और देखते हैं कि KLCC में क्या सीन है। फाइनली पहुँच चुके हैं जी KLCC, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मेन एंट्रीस, ये मेन उसकी एंट्रेस है, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं KLCC। इसका जो फुल नेम है, वो फुल नेम है इसका सूर्या KLCC।
अभी सूर्या पता नहीं कौन है, लेकिन इसको सूर्या KLCC बोलते हैं। अगर आपने आना हो तो आप कोई भी ग्रैब वगैरह बुक करवाएंगे तो उसमें आप सूर्या KLCC लिखना, अदरवाइज़ इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको KLCC खाली बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका KLCC है। और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत भी रह चुकी है 2004 तक, और उसके बाद इसका जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा था वियतनाम ने, वियतनाम एक बिल्डिंग है, और उसके बाद फिर जो है बुर्ज खलीफा बना था। अभी सुनने में आया कि मलेशिया सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा है, लेकिन ये खबर सच्ची है या कि नहीं ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी विज़िट वगैरह बंद है मलेशिया की, इसलिए जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आ रहे। अदरवाइज़ इधर इतना रश होता है, इतना रश होता है कि लोग एक दूसरे के साथ टकरे मार रहे होते हैं, लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली है। और ये जो ये पुलिस वाले हैं ताकि किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो उसको हैंडल करें। अभी कोई आदमी नहीं है ज़्यादा, अभी तो टाइम भी सुबह गया, सब लोग ड्यूटी वगैरह में गए हुए हैं, वरना इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। और उसके सामने आपको नज़र आएगा पब्लिक बैंक, ये पब्लिक बैंक आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये पब्लिक बैंक की बिल्डिंग है, ये भी काफ़ी ऊंची है, और इसके साथ में ये बिल्डिंग है, पता नहीं इसका क्या नाम है। तो अभी चलते हैं अंदर, अंदर का मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, अंदर इसके शॉपिंग मॉल और भी बहुत कुछ है, तो वो देखते हैं अंदर क्या सीन है। ये इसके अंदर का नज़ारा जब एंटर होगा तो आपको ऐसा व्यू मिलेगा, सबसे पहले देखने को ऊपर में फिरारी की दो गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये नकली हैं, डोंट बी सीरियस। तो अंदर चलते हैं, शॉपिंग मॉल देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन सीन क्या है देखते हैं। चाचा सिक्योरिटी गार्ड भी मेरी तरफ देख रहा है, अब इसने भी बोलना पहले स्कैन करो, मोबाइल बंद करो, ये वो, तो इसके साथ निपट के फिर दोबारा आते हैं अपनी लाइन पे। स्टेट ह्यू विद अस। नवीद भाई का स्कैन नहीं हो रहा और वो मुश्किल में उसका नेट नहीं चल रहा मोबाइल का, तो स्कैनिंग में मसला आ रहा है। ओके जी, ये है शॉपिंग मॉल, और इधर से आपको दुनिया के तकरीबन सारे ब्रांड मिलेंगे। ये मेरा ख्याल है गुची का, लिवाइस का। तो अभी और देखते हैं आगे क्या क्या है, अभी चलते हैं और घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ग्राउंड फ्लोर, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अभी इधर कोई चीज़ नहीं है यार, रश वगैरह नहीं है, क्योंकि कोविड है तो इनके टूरिस्ट जो वीज़े हैं वो बंद हैं, इसलिए लोग नहीं आ रहे, वरना इधर तो बहुत ज़्यादा रश होता है यार, खड़ा होने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा इधर रश होता है। लेकिन अभी तो बिल्कुल खाली है देख रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है, वरना इधर जो यूरोपियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इधर होते हैं। चाचा तेरी ट्रेंड किड्डी चिट्टी है, चाचा लगता फैजा ब्यूटी क्रीम लाता ट्रेंड पे, बहुत चिट्टी ट्रेंड है। तो आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है, ये है इसकी बैक साइड, बैक साइड भी आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। अभी तो यार सुबह इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है रात को, क्योंकि ये फाउंटेन वगैरह सब चलते हैं, लाइटिंग होती है, तो बड़ा सीन होता है रात को। लेकिन अभी सुबह सुबह तो इसलिए ये सब कुछ बंद है, अगर रात होती तो फिर ज़्यादा मज़ा आता। तो ये यहाँ पे मिनी बस है, ये आपको इधर सारा घुमाएगी और साथ में ये आपको बताएगा कि ये इधर क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन इतनी गर्मी है और ताया फुल टाइम वॉक कर रहा है, ताया बस कर दे यार, केड़े दिन जवानी के शौक चढ़ गए हैं बुढ़े बारे। अभी मैं दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, उधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने छोटा सा एक फाउंटेन सा बनाया हुआ, पानी ऊपर से गिरता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा इसका KLCC का, इधर से आपको नज़र आएगा। अच्छा ये है जी KLCC, और ये मैक्सिस का मेरा ख्याल है वो टावर, 10:04 हो चुके हैं, और ये है KLCC। आगे भी थोड़ा सा एक अच्छा मंजर है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, पानी वगैरह ऊपर से ये गिरा रहे हैं, वाटरफॉल सब बनाया हुआ, अब देखते हैं कि क्या है। नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने स्विमिंग पूल की तरफ। ये सामने इन्होंने छोटा सा वाटरफॉल सा बनाया हुआ, पानी ऊपर से गिर रहा है, अगर आप उधर नहाना चाहते हैं तो नहा भी सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं नहाऊंगा क्योंकि मैं अकेला हूँ।
ये देख रहे हैं आप लोग, अगर आपका नहाने का मन है तो आप नहा भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। वो देख रहे हैं लेडी अपनी जो है बच्चे के साथ वो नहा रही है, अगर आप चाहें तो आप भी नहा सकते हैं इसके अंदर। जी ये था KLCC जो मैंने आपको दिखा दिया, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इंशाल्लाह आपको मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, एक अच्छी और नाइस प्लेस के साथ।